कदम रहना। आप देखना जैसे ही हमारा कानून उतरेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंपनियां देंगी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सब खबर हो रहे हैं, और आप जानते हो तो हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान में क्या होगा? ये देश रोजगार नहीं दे पाएगा। ये देश अपने युवाओं को आने वाले समय में रोजगार नहीं दे पाएगा। और ये अब दिखने को मिले, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमारा देश 70 साल में ये कभी नहीं हुआ, हमारा देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। और मेरी बात नहीं मत मानो, कौन नहीं राहुल घर बोल रहा है, जैसे कोरोना के समय कहा था नहीं राहुल घर बोल रहा है, मैंने कहा था जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मीडिया वालों ने मेरा मजाक उड़ा, बात मत मानो, चिंता मिल जाए आपको मिल जाए कि ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि रोजगार देने वाले जो लोग हैं स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, किसान, ये रोजगार नहीं दे पाएंगे, यही बर्बाद है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है हमारी जिम्मेदारी क्या है, छत्तीसगढ़ में हमारी जिम्मेदारी क्या है, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले देश को जोड़ने का, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का। और फिर जो हमारे गरीब लोग हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हो, दुकानदार हो, उनकी आवाज उठाने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें संगठित अर्थव्यवस्था पे आक्रमण करना है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को असंगठित अर्थव्यवस्था और संगठित अर्थव्यवस्था के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर यह बैलेंस टूट गया, इस देश को बहुत बुरा नुकसान होने वाला है, और नरेंद्र मोदी जी ने इस बैलेंस को तोड़ दिया है। तो हमारा काम इस बैलेंस को फिर से बनाने का है। एक तरफ असंगठित लोगों की मदद करने का है, उसमें मनरेगा शामिल है, भोजन का अधिकार जो आपकी ये किसान को पैसे देने की योजना है, ये सब है। और दूसरी तरफ जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, इन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जहां भी बीजेपी और आरएसएस एक हिंदुस्तानी से दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है, जहां भी ये लोग नफरत कराते हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी के सिपाही को खड़ा होकर लोगों को जोड़ने का। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे मंत्री सब मिलकर ये जो बैलेंस है इसको मेंटेन करने की कोशिश कर, और गरीबों की, कमजोर लोगों की रक्षा कर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो आपने ये जो राजीव भवन तैयार किए हैं, जिनका आज हम इनोग्रेशन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। और जब ये हमारे ऑफिस खुलेंगे, इनके दरवाजे जनता के लिए खुले होने चाहिए,
ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऑफिस नहीं हो, ये छत्तीसगढ़ की जनता के भवन, नाम करो राजीव गांधी भवन हो, मगर ये छत्तीसगढ़ की जनता आपके भवन हो, कांग्रेस पार्टी के भवन हो, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। आप सबका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार व्यक्त किया सिंधिया करें। उसके पहले क्योंकि राजीव जी के जयंती को हम लोग पूरे सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं और आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, तो निवेदन ये था कि सभी साथी अपने पूरे प्रदेश के जितने भी साथी अपने स्थान पे खड़ा होकर प्रतिज्ञा करें। तो मैं आप सब से निवेदन करता हूँ, जैसा मैं करते जाऊँगा आप सब दोहराते जाएंगे। सर आप भी जो है खड़े हो गए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं जाति संप्रदाय अथवा भाषा का भेदभाव सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए पी एस सिंधे को आमंत्रित करता हूँ कि आभार व्यक्त करें। राहुल गांधी जी, आदरणीय पी एस पुनिया जी, आदरणीय मोतीलाल जी वोरा, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन बलराम जी, आदरणीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महन जी, आदरणीय चंदन यादव जी, आदरणीय मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य, सभी संसदीय सचिव, सभी निगम मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी, मैं सद्भावना दिवस पर आदरणीय राहुल गांधी जी का सभी छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से गहरा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति से और इतने सारगर्भित उद्बोधन से हम सबका ध्यान आम जनों के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की ओर बाधा। इस अवसर पर जहाँ राजीव जी की प्रेरणा हम सबको सदैव कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी, आपकी उपस्थिति और आपकी ऊर्जा हमें उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। सभी भवनों के लोकार्पण के अवसर पर सभी किसानों को मिले 1500 करोड़ की राशि, हमारे गोबरधन गौधन योजना से मिली हुई राहत और तेंदुपत्ता बोनस की राशि और इसके साथ अनेकों योजनाएं जो हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में लागू की हैं और लागू करने जा रही हैं, आपकी अगुवाई में आपके मार्गदर्शन में हमें सफलता मिले इसकी कामना। आपको और सभी उपस्थित जनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहा है राजधानी रायपुर की, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोनिया और राहुल गांधी इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना, तेंदुपत्ता संग्राहकों और ऐसी कई योजनाओं के चलते किसानों को लाभ दिया गया है। आपको बता दें कि 1700 से ज्यादा करोड़ रुपए का इसमें किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया है और इससे कुछ देर पूर्व ही गोबर विक्रेताओं को शुरुआत की गई थी, जिसको लेकर प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। तो 22 जिलों में भवन का शिलान्यास भी किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को लेकर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके चलते किसानों को एक बड़ी सौगात दी गई। आपको बता दें कि कई सारी जगहों पर कई सारे कार्यक्रम आज मनाए गए हैं और कोरोना काल के चलते कई जगह पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कार्यक्रम संपन्न हुए। और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए।